नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सपा संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का सोमवार को निधन हो गया। वो 82 साल के थे। मुलायम सिंह यादव को यूरिन संक्रमण, ब्लड प्रेशर की समस्या और सांस लेने में तकलीफ के चलते पिछले दिनों गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी तबीयत लगातार नाजुक बनी हुई थी। मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार मंगलवार को उनके पैतृक गांव सैफई में किया जाएगा। उनके पार्थिव शरीर को बस से गुरुग्राम से सैफई ले जाया जा रहा है। उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। मुलायम सिंह यादव के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समेत देश के तमाम राजनेताओं, राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अन्य प्रमुख हस्तियों ने दुख जताया है। मुलायम सिंह यादव के भर्ती होने के बाद से अस्पताल में नेताओं के मिलने का सिलसिला लगातार जारी था। रविवार को नेताजी का हाल जानने के लिए रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया मेदांता अस्पताल पहुंचे। वहीं इससे पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अस्पताल पहुंचकर अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से बातचीत कर मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य की जानकारी भी ली थी। पीएम मोदी ने अखिलेश यादव को आश्वासन दिया था कि वो हर संभव मदद और सहायता देने के लिए मौजूद हैं। वहीं राजनाथ सिंह मुलायम सिंह यादव का हालचाल जानने के लिए अस्पताल भी पहुंचे थे। बता दें कि मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सैफई गांव में हुआ था। उनके पिता सुघर सिंह यादव एक किसान थे। मुलायम सिंह यादव मौजूदा वक्त में मैनपुरी सीट से लोकसभा सांसद थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति हो, देश की राजनीति हो, मुलायम सिंह यादव को प्रमुख नेताओं में गिना जाता है। वे 3 बार के यूपी के सीएम रहे और केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री भी रह चुके थे। इसके अलावा मुलायम सिंह 8 बार के विधायक और 7 बार लोकसभा सांसद चुने जा चुके हैं। मुलायम सिंह यादव ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी मालती देवी की मृत्यु 2003 में हुई थी। वह अखिलेश यादव की मां थी। मुलायम ने दूसरी शादी साधना गुप्ता से की थी। मुलायम सिंह यादव और साधना गुप्ता के बेटे का नाम प्रतीक यादव है। हाल ही में साधना गुप्ता का भी निधन हो गया था।